दोस्तों, जिस किसी ने भी घोड़े के साथ इंटरेक्ट किया है वो जानते हैं कि वो एक शानदार जानवर है। घोड़े हजारों वर्षों से हमारे जीवन का हिस्सा रहे हैं। घोड़ों ने घुड़सवारी से लेकर भारवाहक के रूप में और यहाँ तक कि राजा महाराजाओं के लिए युद्ध में भी अपनी सेवाएं दी हैं। इसके बावजूद घोड़े के बारे में ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं जिनसे हम अनजान हैं। इस वीडियो में हम घोड़े के बारे में आपको दिलचस्प जानकारी बताने वाले हैं और साथ ही एक ऐसी घटना बताने वाले हैं जो एक घोड़े और औरत के बीच में घटित हुई, जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। यूं तो अक्सर कहा जाता है कि इंसान दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, लेकिन इंसान से कहीं ज़्यादा दिमाग जानवरों के पास है, इसीलिए वो बिन बोले ही अपनी भावनाओं को व्यक्त कर डालते हैं। कुत्ता, हाथी, मक्खी और यहाँ तक कि एक छोटी सी चींटी भी बुद्धि में इंसान को मात दे सकती है। अगर आपको लगता है हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप इस घटना को सुनकर चौंक जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं। आज हम आपको दो वाक्यात बताएंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस घोड़े ने औरत के साथ जो किया उसे देखकर पूरे गांव की रूह कांप उठी। आखिर एक औरत एक घोड़े के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? एक घोड़े के साथ क्या हो सकता है इस औरत के संबंध में, जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, घोड़ा एक बहुत ही वफादार और साथ निभाने वाले जानवरों में से एक होता है। घोड़ा अपनी खास आदतों की वजह से सबको अच्छा लगता है। ये इंसानों से सबसे ज्यादा घुल मिलकर रहने वाला जानवर भी होता है। तो दोस्तों, एक ऐसा घोड़ा जिसकी कीमत बादशाह भी नहीं लगा पाया और वो औरत किसी भी कीमत पर उस घोड़े को बेचने को तैयार ना थी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों और ये घोड़ा उस औरत के लिए इतना खास क्यों था? उसके साथ उसका क्या रिश्ता था? तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी उस जमाने की है जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। बहुत ही छोटी छोटी रियासतों में हमारा देश बटा हुआ था। उस जमाने में कश्मीर की वादियों में बसी एक रियासत में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी। एक तो लड़की अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे इलाके में चर्चा में बनी रहती थी और साथ ही इस लड़की के पास एक बहुत ही आला नस्ल का घोड़ा था जो उस लड़की की तरह अपनी खूबसूरती के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। कई लोगों ने घोड़े को खरीदने की कोशिश भी की, लेकिन लड़की ने कभी भी उस घोड़े को नहीं बेचा। इधर जिस रियासत में लड़की रहती थी उसी रियासत का बादशाह घोड़े का बहुत शौकीन था और उसके राजमहल में एक से बढ़कर एक घोड़े मौजूद थे और बादशाह अक्सर अपने पसंदीदा घोड़े पर सवार होकर सैर सपाटे के लिए जाया करता और उसके साथ ही इस बादशाह को शिकार का भी बहुत शौक था और इस काम के लिए वो अपने खेमे में मौजूद सबसे खूबसूरत और सबसे मजबूत घोड़े को लेकर जाता था। तो ऐसे में बादशाह का मूड बना तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा कि जाओ अस्तबल में मौजूद घोड़े में से एक मजबूत घोड़े को लेकर आओ। बादशाह ने जब सिपाही से कहा तो सिपाही कहने लगे कि बादशाह सलामत, हमारी रियासत में एक लड़की है जो कि यही कोई 28 साल की है और बादशाह सलामत इस लड़की के पास एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है जिसे लड़की के अलावा किसी ने छुआ तक नहीं और ना ही लड़की ने घोड़े को कभी बेचा है। जब बादशाह ने घोड़े के बारे में बात सुनी तो बस वो घोड़े को देखने के लिए बेताब हो गया। उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उस लड़की से घोड़ा लेकर आओ। सिपाही उस लड़की के पास गए और कहा कि बादशाह सलामत ने आपका घोड़ा मंगवाया है, लेकिन उस लड़की ने साफ इनकार कर दिया। और जब ये खबर बादशाह के पास पहुंची तो बादशाह को बेहद गुस्सा आया कि हमें मना करने वाला आखिर ये कौन है। लेकिन दोस्तों, ये बादशाह बहुत ही अच्छा था। उसने अपने गुस्से को काबू किया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस लड़की को बाइज्जत उसके घोड़े के साथ हमारे दरबार में लेकर आओ। जब सिपाहियों ने उस लड़की से जाकर कहा कि बादशाह ने आपको आपके घोड़े के साथ बुलवाया है, तो ऐसे में लड़की मान गई और लड़की दरबार में अपने घोड़े के साथ पहुंच गई। लेकिन लड़की ने ये बात पहले से ठान ली थी कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अपना घोड़ा किसी भी हालत में बादशाह को नहीं दूंगी। और बादशाह ने जैसे ही घोड़े को देखा तो वो उसका दीवाना हो गया और वो उसकी मुँहमांगी कीमत देने के लिए भी तैयार हो गया। लेकिन लड़की ने कहा कि अगर आप अपनी पूरी रियासत भी मुझे दे देंगे तो भी इस घोड़े की कीमत के मुकाबले नहीं हो सकती। मैं इस घोड़े को किसी भी कीमत पर बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इस पर बादशाह ने पूछा कि आखिर इस घोड़े में ऐसा क्या है? तो लड़की ने कहा कि बस ये मेरा पसंदीदा घोड़ा है। लड़की ने कहा, हाँ आप चाहें तो इस घोड़े की सवारी कर सकते हैं। बादशाह ने सोचा कि चलो
एक बार ही सही घोड़े की सवारी ही कर लेता हूँ। तो फिर बादशाह ने जब उस घोड़े की सवारी की तो वो उसकी दौड़ और फुर्ती के दीवाना हो गया। वो लड़की को मुंह मांगी कीमत देने के लिए फिर से तैयार हो गया, लेकिन लड़की फिर भी इस बार ना मानी और उसका जवाब ना ही था। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मत बेचो। लेकिन बादशाह कहने लगा, अच्छा तो तुम आज शिकार के लिए अपना घोड़ा हमें दे सकती हो? तो लड़की सोच में पड़ गई। फिर उसने सोचा, चलो घोड़ा दे ही देती हूँ। लेकिन लड़की ने कहा कि मेरी एक शर्त है, जब आप गांव में सही सलामत वापस आएंगे तो इस घोड़े को रियासत के शाही होने का हुक्म देंगे। लड़की की बात को सुनकर बादशाह भी तैयार हो गया और अब वो उस घोड़े के ऊपर शिकार के लिए बिल्कुल तैयार था। बादशाह उस दिन बहुत ही ज्यादा खुश था। अगले दिन जब बादशाह जाने लगा तो उसके पीछे कुछ सिपाही भी निकले। जब बादशाह शिकार की जगह पर पहुंचा तो उसने घोड़े को रोकने की कोशिश की, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद भी घोड़ा नहीं रुका और घोड़ा हवा से बातें करता हुआ अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। बादशाह के पीछे चल रहे सिपाही घबरा गए और सोच में पड़ गए कि आज से पहले तो बादशाह सलामत इससे आगे कभी नहीं गए थे, तो आखिर अभी इस इलाके में कहाँ जा रहे हैं। फिर वो बादशाह के पीछे चलते हैं। फिर थोड़ी देर चलने के बाद घोड़ा एक ऐसी जगह रुका जहाँ बहुत सारे फल और नदियाँ और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, जिसे देखकर बादशाह का दिल खुश हो गया। उसे वहाँ बहुत ही अच्छा सुकून मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छी जिंदगी कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों वहाँ का जो माहौल था वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और शांत था, जिसे देखकर मन और दिमाग अपने आप ही शांत हो जाता था। और वहाँ बादशाह की पसंद के जानवर भी शिकार के लिए मौजूद थे, जिसे देखकर बादशाह और भी ज्यादा खुश हो गए। और बादशाह ने सोचा कि ये घोड़ा तो बहुत ही समझदार है, मैंने आज से पहले इससे ज्यादा खूबसूरत जगह कहीं नहीं देखी थी। फिर बादशाह ने वहाँ खूब शिकार किया और फल खाए और वापस आकर लड़की को उसका घोड़ा देते हुए कहा कि वाक्य में आज से पहले मैंने इतना शानदार घोड़ा कभी नहीं देखा था। इसके बाद फिर से बादशाह ने लड़की को घोड़ा बेचने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने मना कर दिया और वादे के मुताबिक बादशाह ने घोड़े को शाही होने का तगमा दे दिया। लेकिन अभी भी बादशाह के दिमाग में ये बात थी कि आखिर लड़की को घोड़े के साथ इतना लगाव क्यों है। और जहाँ लड़की और घोड़े की तारीफ हो रही थी और जो लोग बादशाह और लड़की से हसरत करते थे, उन्होंने गलत अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि इस लड़की के घोड़े के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। और कई बार हमने खुद लड़की को घोड़े के साथ पहली सुबह जंगल में जाते देखा है। और जब ये बात बादशाह के कानों तक पहुंची तो बादशाह के कुछ जासूसों को लड़की के पीछे लगा दिया गया और फिर जासूसों ने भी लड़की को सुबह घोड़े पर सवार होकर जाते हुए देखा। तो उन लोगों ने कहा कि जी हाँ, बादशाह सलामत रोज सुबह उस घोड़े के साथ वो लड़की जंगल में जाती है। और सिपाहियों ने बताया कि जब वो आती है तो उसके पास कुछ फल या शिकार किए हुए जानवर होते हैं। अब ये सब सुनकर बादशाह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार असल मामला क्या है। तो फिर बादशाह ने उस लड़की से पूछा कि तुम जंगल क्यों जाती हो? तो लड़की ने राज से पर्दा उठाते हुए बताया कि दरअसल मैं इसी जंगल में पैदा हुई थी और मेरे माँ बाप बचपन में गुजर गए थे, उसके बाद से मैं इन्हीं जानवरों के बीच पली बड़ी हूँ। ऐसे में मुझे जानवरों से बहुत प्यार था और मैं हर जानवर का ख्याल भी रखती थी। इसी दौरान जंगल से गुजरते हुए एक बुजुर्ग मुझे एक घोड़ा देकर चले गए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इस घोड़े का ख्याल रखना, ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। उसके बाद लड़की ने बताया कि मैं इस घोड़े से इतना प्यार करती थी, इतना ख्याल रखती थी, जितना कि बाकी जानवरों से नहीं करती थी। और जैसे जैसे घोड़ा बड़ा होता चला गया तो ये मेरा ख्याल रखने लगा और हमेशा की तरह ये मुझे ऐसी जगह लेकर जाने लगा जहाँ से मैं कभी गुजरी नहीं थी और वो जगह इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। और वहीं से मैं फलों की टोकरी या शिकार किया हुआ जानवर लेकर आती हूँ और उनको बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। उसके बाद फिर सब लोगों को समझ में आ गया कि आखिरकार लड़की और घोड़े के बीच में क्या रिश्ता है, और ये जो रिश्ता है ये रिश्ता वफा और मोहब्बत का है। तो इस कहानी से बात तो समझ में आती है कि चाहे भले इंसान से मोहब्बत करें तो उससे धोखा मिलने की गुंजाइश होती है, लेकिन जब आप एक जानवर से मोहब्बत करेंगे तो आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब आपको एक और वाक्य के बारे में बताते हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरा खिलाफत है। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने कमरे में बैठे हुए हैं, एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है कि ऐ अमीनुल मोमिनी, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा
क्या हादसा हो गया है? तो वो शख्स कहता है कि ऐ अमीनुल मोमिनी, मैंने शादी की थी एक औरत से और आज उस औरत की शादी को 6 महीने मुकम्मल हो गए और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। अब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी शादी को तो अभी 6 महीने ही हुए थे और ये बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? अब इस वाक्य से पहले दोस्तों आम लोगों के अंदर ये बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता, इसीलिए वो आदमी भी परेशान हो गया और अपने उस बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमीनुल मोमिनी के पास आ गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया कि ये बच्चा हलाल का है या हराम का। इससे पहले ऐसा वाक्य कभी पेश नहीं आया कि किसी औरत ने 6 महीने के बाद किसी बच्चे को जन्म दे दिया और ये पहला वाक्य था। दोस्तों अरब के अंदर आमतौर पर 6 महीने के बच्चे को हराम का बच्चा ही समझा जाता था। तो मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब के अंदर कभी भी पैदा नहीं हुआ, लिहाजा ये हलाल का नहीं हो सकता बल्कि हराम का ही है। और जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम लोगों से मशवरा कर लिया और हिसाब किताब वालों ने सब ने कहा कि अरब की तारीख में 6 महीने के बच्चे को हराम समझा जाता है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि औरत को खुले मैदान के अंदर ज़मीन में गाड़कर रजन का अमल शुरू कर दिया जाए। अब जैसे ही आपने हुक्म दिया, आपने फैसला फरमाया, तो ये खबर आसपास के इलाकों में फैल गई और चलते चलते ये खबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में जा पहुँची। अब हज़रत अली उस मैदान के बजाय वहाँ उस औरत के संसार किए जाने वाली जगह पर ना जाते हुए सीधा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जा पहुँचे और सलाम करने के बाद अमीनुल मोमिनी से पूछा कि उस्मान, क्या आपने ये हुक्म दिया है कि उस औरत को रजन किया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा पैदा किया है? तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने ये हुक्म दिया है क्योंकि उसने हराम का बच्चा जन्मा है और 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता और मैंने ये फैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सभी ने ये मशवरा किया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया और कहा कि ऐ अमीनुल मोमिनी, आपने गलत फैसला किया है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अपना हिसाब और किताब लगाया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हज़रत अली ने फरमाया कि उस्मान, 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है। अब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर परेशान हो गए कि कुरान से कैसे साबित है। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि अच्छा, ये तो 2.5 साल बनते हैं, अब इसमें से 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा? तो हज़रत अली ने फरमाया कि दूसरी आयत पढ़ो, अल्लाह फरमाता है 2 साल दूध पिलाने के 30 महीनों में 2 साल निकालो और अब आप 24 महीने निकालेंगे तो पीछे 6 महीने बचेंगे। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि ऐ अली, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कयामत तक अगर किसी औरत का 6 महीने का बच्चा बिस्तर पर पैदा हुआ है तो उसे हलाल किया जाएगा, हराम नहीं, क्योंकि ये कुरान की आयत के मुताबिक है। और सारी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन कुरान पाक की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन सिपाहियों को दौड़ाया, अल्लाह ना करे कि उस औरत का संसार कर दिया जाए तो कयामत के दिन मैं उस्मान को क्या बोलूँगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और आपकी चीख निकल गई और आप अपने आप से फरमाने लगे, कल कयामत के दिन अल्लाह को तो क्या जवाब देगा। आपने सिपाहियों से फरमाया कि जल्दी जाइए, उस औरत को बचाइए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वहाँ से निकले और सिपाही भी निकले। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उस औरत को ज़मीन में गाड़ दिया गया और उसका सिर्फ चेहरा बाहर था और उसकी बहन उससे आखिरी मुलाकात करने आई थी और ज़ारों कतार रो रही थी। फिर उसी वक्त उस औरत को ज़मीन से बाहर निकाला गया और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत को अपने पास बुलाया और उसके बेटे को पेश किया। रिवायत के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि जिस तरह परिंदों में 2 अंडे मिला दिए जाएं तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, दोनों में क्या फ़र्क है, इसी तरह उस बच्चे की शक्ल और सूरत बिल्कुल उसके वालिद के ऊपर थी और वालिद ने उसको अभी तक नहीं देखा था। वालिद ने जब देखा और कहा कि अल्लाह की कसम, ये तो मेरा ही बेटा है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, यहाँ पर एक बात मालूम हो गई कि जो 6 महीने में बच्चा पैदा होता है उसे हलाल का समझा जाएगा क्योंकि कुरान पाक में ये फैसला मौजूद है।
तो प्यारे दोस्तों, ये था आज का वाक्य। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये वाक्य, ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।